लाए गए। पूरी दुनिया में लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई, लेकिन अब धीरे धीरे इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बात कोविशील्ड की करें तो इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दिए गए बयान में माना है कि इस वैक्सीन से शरीर के किसी हिस्से में खून जमाने वाला रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी ने माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन रेयर केस में TTS का कारण बन सकती है। कंपनी के कोर्ट में दिए इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में कोविशील्ड वैक्सीन के डोज लेने वालों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चर्चा होने लगी। अब इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भारत की एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR से मान्यता लैब द्वारा समर्थित असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च में पाया है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है उनमें सिर दर्द और बुखार जैसे हल्के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। रिसर्च में पाया गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों में से 55% को पहले खुराक लेने के एक हफ्ते के अंदर बुखार और सिर दर्द जैसी परेशानी हुई है, जबकि बाकी बचे 45% लोगों में कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। रिसर्च के मुताबिक इस वैक्सीन का लंबे समय तक बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट कब और कितने दिनों में दिखते हैं, चलिए डॉक्टर से जानते हैं। वैक्सीन लगने के पहली डोज लगने के बाद 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही साइड इफेक्ट हुआ, तो अब जाके इसका कोई खतरा नहीं है। 4 दिन से 42 दिन, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर हुआ, यूरोपियन पॉपुलेशन में ज्यादा हुआ और महिलाओं में ज्यादा हुआ, तो ये रिसर्च का जरूर विषय है। वैक्सीन के ट्रायल को हम लोग 5 साल तक मिनिमम ट्रैक करते हैं। 2021 से वैक्सीन चालू हुआ तो 2026, और उस ट्रायल में हम देखेंगे क्या भारत के जीन में भी इसके वैसे साइड इफेक्ट्स पाए गए, क्या ये और कोई साइड इफेक्ट्स इसमें छुपा है, उसकी रिसर्च आए, स्टडी आए, तब जाके इन चीजों की क्लैरिटी आएगी। उसके पहले ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि वैक्सीन से हार्ट अटैक। आपको यहाँ बता दें कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी COVID-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजारों से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था। ये मंगलवार 7 मई से लागू हो गया। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम।